किसी को ईसा मसीह के प्रति श्रद्धा हुई, बड़े काम की बात हुई, बड़े कल्याण की बात हुई। ऐसा संतों में सिरताज, ऐसा संत, कोई सचमुच संत है या नहीं, इसको मापने का एक मापदंड है कि मृत्यु के समय उसके चित्त की क्या अवस्था है। अगर मृत्यु के समय उसका चित्त व्याकुल है, द्वेष में है, घृणा में है, क्रोध में है, भय में है, तो संतवंत नहीं है, अभी संत नहीं बना। इस व्यक्ति के चित्त की अवस्था क्या है मृत्यु के समय, जैसे सभी संतों के होता है, लोग पीछे पड़ जाते हैं, कुछ द्वेषी हो जाते हैं, दुश्मन हो जाते हैं, इसके भी पीछे पड़े तो टांग दिया सूली पर, हाथ में कीले ठोक दी, पांव में कीले ठोक दी, अब तड़प तड़प के मर, मृत्यु समीप है, कितना तड़प हो तड़प रहा है, कितना कष्ट है, मन में द्वेष का नामो निशान नहीं है, क्रोध का नामो निशान नहीं है, प्यार ही प्यार उमड़ता है, मैत्री उमड़ती है, करुणा उमड़ती है, और किन पर उमड़ती है, अपने भक्तों पर नहीं, किन पर उमड़ती है, उन लोगों पर जिन्होंने ये अवस्था बनाई है, ये हालत बनाई है। अरे वो बड़े नादान हैं, उन बेचारों को पता नहीं वो कर क्या रहे हैं, अरे उनको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे, उनको अपने किए का फल न भोगना पड़े रे। कोई संत होगा ऐसा? संतों का सिरताज है, ऐसे के प्रति हमारे मन में श्रद्धा जाग जाए तो उसके जो गुण हैं, कितनी मैत्री है, कितनी करुणा है, कितना सेवा भाव है, वो थोड़ा थोड़ा तो आने लगे, तो हम सचमुच ईसा मसीह के भक्त हुए, नहीं काहे के भक्त हुए।